क्रिकेट वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। गांव में क्यों नहीं पहुंच पा रही जरूरतमंद तक योजनाएं, लोग आखिर परेशान क्यों? एक तरफ जहां सरकार और उसके नुमाइंदे सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की योजनाएं जब गांव गिराव तक पहुंच रही हैं, तो सबको समान रूप से नहीं मिल पा रही हैं। आज गांधी का भारत जिन्ना और गोडसे का भारत में कैसे तब्दील हो गया है, यह गांव में पहुंचने वाली योजनाएं बता रही हैं। आप तस्वीरों से समझिए कि क्या वास्तव में भारत आज हर जाति समाज वर्ग में खंडित होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से कई तस्वीरें तो शायद यही कहती नजर आ रही हैं। जिस तरह से प्रदेश और केंद्र सरकारें अपने उम्मीदवार उस इलाके में जहां विधायक या सांसद लड़ाना है वहां किस जाति का मत ज्यादा है उसी जाति का कैंडिडेट उतारती है, ठीक उसी तरह गांव गिराव की योजनाएं हैं। गांव का जनप्रतिनिधि तय करने लगा है कि फला व्यक्ति किसका आदमी है या किसे मत देता है, उसी आधार पर उसे योजनाएं दी जाती हैं और सरकार की सुविधाओं से महरूम रखा जाता है। हमने महाराजगंज जनपद के दर्जन भर गांव में सरकार की योजनाओं और सबका साथ सबका विकास वाले शब्द की हकीकत का हाल जानने का प्रयास किया तो कई चौंकाने वाले सच सामने आ गए। तो साथ में यह भी स्पष्ट होता दिखा कि हर योजना और फरियाद को थाने से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर तहसील, तहसील से लेकर जिले तक सुनने के बदले लाभ देने के बदले धन उगाही या यूं कहें तो सुविधा धड़ल्ले से वसूल किया जाता है, तथा यदि गांव में कोई मरियल किस्म का व्यक्ति है जो किसी भी सुविधा के लिए धन या शुल्क नहीं दे सकता है तो वह चाहे किसी भी योजना के लिए तैयार सरकार की मापदंड में जितना भी फिट बैठता हो उसे उसे योजना से महरूम कर दिया जाता है, और जो शुल्क दे सकता है उसे भले ही तय मापदंड में फिट न बैठता हो उसे सरकार के सिपह सलार उसे फिट बैठा देते हैं। मतलब स्पष्ट है कि गांव की हालात यह है कि आपका नेता यदि हारा और आप अगर सत्ता या प्रशासन में प्रभावशाली नहीं हैं तब आपको 5 साल योजनाओं से महरूम रहना होगा और विरोध से अधिकारी सिर्फ जाँच के नाम पर मालामाल होंगे, आपका सच सामने नहीं आ सकेगा। आप चाहे जितना भी फरियाद करें कोई मामला तब जरूर कार्रवाई की कगार पर पहुंचता है जब किसी मामले में की राजनीतिकरण हो जाती है या फिर किसी मामले में कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है, जैसे उन्नाव कांड आपके सामने उदाहरण के लिए पर्याप्त है। अन्य सभी दब जाती है और लापरवाही ताला लाल फीताशाही में फंस कर रह जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ होता दिख नहीं रहा है तो वहीं अब गांव में भी जाति पाति की खाई इतना गहराई गई है कि योजनाओं को उनके अनुसार उतार दिया जाने लगा है। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आलम बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।